बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो ये है कि डिप्टी प्रेसिडेंट आपको किस प्लेस पे आपको एसएसबी में रिकमेंड करता है और किन चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा। सो जिस दिन आपका डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू होगा, आपको बेसिकली एक हॉल में लेके जाया जाएगा। बेसिकली वो एक रूम टाइप बना होगा, तो आपको वहाँ पर बैठना होगा और अपनी बारी का वेट करना होगा। सो जब आपकी बारी आएगी तो आपको बाहर जाना होगा और वहाँ बाहर एक चेयर खड़ी होगी, उस चेयर के ऊपर आपको बैठना होगा और दूसरे कैंडिडेट के बाहर आने का वेट करना होगा। जब तक वो कैंडिडेट बाहर ना आए, आपको वहाँ पे ही बैठ के अपनी बारी का वेट करना होगा। सो जब वो कैंडिडेट बाहर आएगा और एक लाइट थोड़ी देर बाद ब्लिंक करेगी, बेसिकली आपने उस लाइट के ऊपर फोकस करना है जो आपके बिल्कुल सर के ऊपर होगी। तो जब वो लाइट ब्लिंक करे तो आपने दरवाजे के पास जाके खड़ा होना है और दरवाजे के पास जाकर खड़ा होना, और सबसे पहला जो आपने काम ये करना है कि आपने दरवाजे को जाके नॉक करना है। ये सेम इसी तरह है कि आप जब किसी के घर के बाहर जाते हो तो आप बेसिकली और उनके दरवाजे को नॉक करते हैं या घंटी बजाते हो। ये एक असूल है। आपने बाहर जाना है और हल्का सा नॉक करना है दरवाजे को, चाहे उसको अंदर आवाज़ चाहे ना चाहे, लेकिन आपने अपनी तरफ से ये काम ज़रूर करना है। जब आप दरवाजे को नॉक करें और हल्के से दरवाजे को आपने ओपन करना है और आपने हल्का सा अपने सर को अंदर की तरफ करना है, ठीक है, और आपने उसे अंदर आने की इजाज़त लेनी है ड्यूटी प्रेजिडेंट से। अगर वो आपसे कहता है, आप अगर कहते हैं कि सर मैं आई कैन, अगर वो आपसे ये बात कहते यस कम है, तो आपने अंदर चले जाना है। इफ़ ही से नो, आप अंदर नहीं आ सकते हैं, आपको चाहिए कि आप बाहर ही खड़े हो जाओ और फिर वेट करते रहो, सही है। वो आपको बाद में बुला लेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपका टेम्पर चेक करने के लिए होता है। जब आप अंदर जाओगे इस तरह, आपने जाके चेयर के पास राइट साइड पे खड़ा हो जाना है, ठीक है, और डिप्टी प्रेसिडेंट की इजाज़त का वेट करना है। अमूमन वो आपको इजाज़त दे देते हैं जल्दी कि आप बैठ सकते हैं। जब वो आपको बैठने की इजाज़त देते हैं, अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाना है और बिल्कुल कूल डाउन रहना है। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली वो आपको उसको अपना फ्रेंड समझना होगा। लाइक आप एक अपने फ्रेंड के सामने बैठे हो और आप उसको इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो। डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। डिप्टी प्रेसिडेंट के बेसिकली जो फोकस होता है वो तीन चीज़ों के ऊपर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके ISSB फॉर्म के ऊपर होता है। आपने ISSB जो फॉर्म अपना फिल किया होता है, बेसिकली आप पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है, ठीक है, आपके ब्रदर्स कितने हैं, आपकी सिस्टर्स कितनी हैं, आपका जो इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ है, ड्रीम ऑफ योर लाइफ है, यू मस्ट हैव टू कीप दिस इंफॉर्मेशन इन योर माइंड। आफ्टर दैट जो सेकेंड थिंग है वो आपकी जनरल नॉलेज होती है। जनरल नॉलेज मुख्तलिफ केसेस के ऊपर होती है। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछ सकता है पाकिस्तान के किसी इलाके के बारे में पूछ सकते हैं, या आपसे पूछ सकता है कि एप्लीकेशन आप कोई दे सकते हैं और पूछ सकते हैं इससे क्या बनता है। अगर वो आपसे कहे कि यार ISSB की एप्लीकेशन है इससे क्या बनता है, तो आपने कहना है सर इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसी तरह आपसे वापटा के बारे में पूछ सकता है या कोई भी हो और कोई भी हो सकती है। बिल्कुल आपने रिलैक्स रहना है। और सेकंड थिंग जो आपके पास आ जाएगी वो आपके ISSB के क्विक मैथ क्वेश्चंस होंगे। ISSB में क्विक मैथ जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके इंटरव्यू में। एंड जो थर्ड थिंग्स वो जो आपकी होंगे वो बेसिकली आपके इस्लामियात रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो आपके किसी जंग के बारे में पूछ सकता है या समथिंग एल्स, कुरान पाक के किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, लाइक कुरान पाक में सहीदे कितने हैं, कुल याद कितने हैं, इसी तरह और कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपको इसके बारे में प्रिपेयर रहना होगा। ISSB में बेसिकली डिप्टी प्रेसिडेंट के इंटरव्यू में आपने जो भी बात करनी है वो सच्चाई की बेसिस के ऊपर करनी है। इट डजेंट मैटर कि वो आपके रिकमेंडेशन के अगेंस्ट जा रही है या नहीं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, लाइक वो आपसे पूछता है कि यार आपने कभी किसी के साथ सेक्स किया है या नहीं किया है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको झूठ बोलना पड़ता है। वो इसलिए कि ये क्वेश्चन बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी और आपकी इज्जत के बारे में और आपके अपने बारे में होता है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन का हमें आपने जवाब नहीं देना, अगर कभी ज़िंदगी में आपने गलती से ही आपने ऐसी मिस्टेक को कमिट कर भी दिया है तो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वो सबसे पहले आपको कहेगा, बेसिकली डिप्टी प्रेसिडेंट ज़्यादातर ये कहता है कि बेटा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कीप क्लैम, आपने इंट्रोड्यूस करना अपने सेल्फ को। इंट्रोड्यूस करते वक्त आपने अपना नाम पहले बताना है, ठीक है, उसके बाद अपने वाले साहब का नाम बताना है, उसके बाद आपने ये बताना है कि आप बेसिकली आपने अपनी FSC मैट्रिक कहाँ से की है, अपनी परसेंटेज के बारे में आपको बताना है,
और उसके बाद आपको ये चीज़ बतानी कि आप आजकल क्या कर रहे हो। लाइक अगर आप इंटर के बाद आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में आप अगर एडमिशन लिए तो आपने वो बताना है कि मैं आजकल फलानी यूनिवर्सिटी में हूँ और ये इस फील्ड में मेरा एडमिशन हुआ हुआ। सो आफ्टर दिस जब आप इंट्रोड्यूस अपने सेल्फ को करोगे तो वो आपसे नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पूछेगा। दिस क्वेश्चन मे बी योर पर्सनल क्वेश्चन, मे बी रिलेटेड योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। लाइक वो आपसे ये भी कह सकता है कि यार कि आप ये बताओ कि आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है। ठीक है, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप बिल्कुल उससे मुंह पे कहो सर है, अगर नहीं है तो सिंपल नो कह दो। इसी तरह आपसे मुख्तलिफ और क्वेश्चन होंगे, आपके पर्सनल क्वेश्चन होंगे जो आप अच्छी तरह समझते हैं। अगर फिर भी आपका किस चीज़ के रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने ऑलरेडी अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, आप वहाँ से उठा के मुझे ईमेल कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली आपसे वो ये कर सकते हैं कि कोई भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के ऊपर आ सकते हैं। नाम आते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इस तरह होंगे लाइक 90 का 20% आप बता दें। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल एक जहाज़ अगर इतने किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो इतने टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, अगर इतने अंडे हैं, 12 अंडों की कीमत अगर कोई जहाज़ रुपये है, ठीक है, तो 20 अंडों की कीमत कितनी होगी। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ISSB। इसके बाद ISSB जो बेसिकली डिप्टी का इंटरव्यू हो या साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू, तो मेन फोकस जो है वो आपका ऑनेस्टी पे होगा। ठीक है, अपनी ऑनेस्टी को अपने निकोल छोड़ना है, बी ट्रूथफुल एंड कीप कैम इन फ्रंट ऑफ द। थैंक यू सो मच। अगर आपका फिर भी इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।